hablando de noche. So guys, background में देखो, ये पूरा वोदा क्लब था, काफी बड़ा लग रहा होगा अब. Actually, I reached on the one end of this वोदा क्लब. एंड आप लोग ये भी देखो, इधर स्टेयर्स है जो कि हम ऊपर जाएंगे. एंड इधर बैक साइड में ना माउंटेन है जिसपे मतलब स्केटिंग वगैरह सारा. और एक्चुअली है तो ये पूरा ही माउंटेन एरिया, बट अभी है ना उधर कुछ हस्की डॉग्स हैं. यू नो हस्की को ना स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्नो में ही वे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खेलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं उनके डॉग के जो ऑनर्स हैं वे भी हैं. पता नहीं कुछ सेलिंग होती है या क्या होती है. आई विल शो यू गाइज, मेरे दोस्त लोग वहीं पर खड़े हैं. आई विल आस्क फ्रॉम देम ऑल्सो. तो चलते हैं. और एक चीज़ अच्छा है यार यहाँ पे, जो कल मैं गाड़ी दिखा रहा था आप लोगों को, जो हम लोगों को 5000 ग्रेवना का 1 घंटे का मिल रहा था, वो यहाँ पे देखो यूज़ करते हैं ये लोग डॉग कैरी करने के लिए या उनका फूड वगैरह कैरी करने के लिए. और ये प्लेस है क्या है यहाँ पे भरो हस्की राइड. बेसिकली यहाँ पे आइस स्लेजिंग होता है हस्की का यूज़ करके, जैसे मैंने बताया था स्नो में ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं. तो वो लोग उस रोप से बांधेंगे हस्की को. साइबेरियन हस्कीज आर ट्रेन टू डू दैट. ये साइबेरियन हस्की है क्या? साइबेरियन हस्की लाइक अ सेमोइड. अपने वाला ऐसा है ना. तो गाइस बहुत ज्यादा है यहाँ पे देखो. कैसे उठा के ला रहा है. अरे भाई जा रहे. And they will come back. They'll come back. जान ले ली बच्ची की. तो गाइज ये जो आपने 2 मिनट की राइड देखी थी, ये कोई छोटी मोटी राइड नहीं है. आई थिंक हम मर्सिडीज की टैक्सी बुक करेंगे ना 2 मिनट के लिए. मतलब कभी कभी हम लोग गलती से मर्सिडीज की टैक्सी आ जाती है, जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था वो 250 ग्रेविन की थी, लेकिन ये 2 मिनट की राइड जो थी ये 3000 ग्रेविन की. 3000 को मैं अगर इंडियन करेंसी में कहूँ तो 6500 एक महीने का फूड. बट यार ये जरूरी है, देखो अगर ये पैसे कमाएंगे नहीं तो डॉग्स विल बी हंग्री, उनके लिए अच्छा है. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा था अब आगे का सिटी टूर करवा रहे हैं. ऊपर चलते हैं यहाँ पे स्टेयर्स से. तो अनुराग भाई ने जहाँ पे अपना अभी जो पेरिस को रखा है उसके ओनर के पास है ना एक मलमूत है, ठीक है. मैंने उसका प्यार से नाम मलमुत्ता रख रखा है. तो भाई बहुत हैवी कुत्ता है, आई थिंक 70 kg भाई. और डबल है पेरिस से, यहाँ पे वो यूज हो सकता है. नहीं वो यूज नहीं होगा अनुराग भाई, बहुत लेजी है. तो गाइस एक फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे बैठ के. पूरा लेग का एक्सरसाइज हो गया. 500 सीढ़ियाँ थी, चढ़ गए फाइनली. और ये है भाई अपर व्यू ऑफ द वोदा क्लब. देखो गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है. ये लो एक बार और दिखा देता हूँ. मैं 3 बार घूमा हूँ आप लोगों को 3 बार दिखाने के चक्कर में, पर अच्छा लग रहा था, पता है कितना शानदार आ रहा था. इसका तो रील बनाना बनता है. तो बस ऊपर जाके देखते हैं कि है क्या यहाँ पे एंटरटेनिंग. ओ भाई यहाँ पे रुशल डेंट. तो भाई जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना एक्सप्लोर करते जाओगे सिटी को, उतने ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, कहीं कोई कमी नहीं है भाई. मतलब कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा. अपने बंदे को खुश करने के लिए कोई एक डॉल उठाने वाला इसमें से. लेट्स सी हिज एफर्ट्स. तो गाइस कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की मशीन है. म्यूजिक तो इनका यूक्रेनियन ही बज रहा है, जब समझ में नहीं आता. एक बार दिखा देता हूँ, ये है एथनो पार्क.
ग्रुशिया देनिद। कुछ खाने पीने की चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज तो मैंने देखा यार, हर चेयर पे ना ये लोग फैदरी कुछ लगा देते हैं बैठने के लिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाता होगा। दैट्स गुड। और मैं ये दिखा रहा था आप लोगों को डिज्नी आइलैंड। ओके, वी विल सिट इन द कैफे एंड देन वी कैन डू। क्या है यहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे ये है, कितने रुपए की टिकट पर पर्सन? 250 ग्रेवन पर्सन। कितने देर का है ये? 6 बजे बंद होता है ये। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू द पार्क। ये हमारा टिकट है, ये लगा भाई। एंड ओके दैट यू। तो गाइस ऐसे इस टिकट से एंट्री मिलेगी आप लोगों को। नाउ वी आर गोइंग द पार्क। फर्स्ट आई मेक यू सी दिस पार्क। स्लिपरी नाउ, इसलिए काफ़ी अच्छा बनाया है इस चीज़ को। रोड़ी बजरी कंकर पत्थरी जो बोलना है उसको, पूरा मतलब पार्क टाइप का बनाया है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स है। ए बाबा कबूतरिया। तो गाइज यहाँ पे है बत्तख। इट्स रियल। देखो गाइज हमारे यहाँ मक्के हैं ना, ऐसे फेंक देते हैं यूज मक्के का पूरा एकदम। काफ़ी अच्छा सजाया है, आई लाइक दिस। लेकिन हमारे इधर आप सजाओगे तो लेके भाग जाएंगे लोग। तंबाकू जैसा लग रहा है, तंबाकू का पत्ता है क्या ये? दिन से ज्यादा रात में अच्छा लगता है। लाइटिंग्स एंड पूरा वुड है ना, इसकी वजह से ये साइन कर रहा है। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस प्लेस। एंड ये झूला है, इस पर आप झूल सकते हो। इनके साथ मैं नहीं झूलूंगा क्योंकि मेरे को डर लग रहा है गिरना जाए। गिरना जाए या टूट जाए। Yeah. Now he will do pee pee. Let's go. Bye.